हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ सेक्ट्री बाय परमार। तो आज का जो प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:7 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 9 अधिक है। तो कक्षा में कितने छात्र, कुल छात्र कितने हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, जब भी अगर अनुपातिक पहलू दे तो अपनों को वही संख्या मान लेना है। ये कहा लड़के और लड़कियां, अगर इनका अनुपात 4:7 है तो लड़के का अनुपात कितना है, 4। देखिए, तो लड़के की संख्या अगर बताते हैं अपन तो 4 एक हो गई। लड़कियों की बात करें, लड़कियों की अगर संख्या निकालें तो ये हो गई 7x हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों जैसे लड़कों की संख्या, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 4x है, और लड़कियों कितनी है, 7x है। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों बराबर करके रख दिया अपनों ने, अब कितना कम ज्यादा वो देखते हैं। देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 9 अधिक है। जो लड़कियों की जो संख्या है, इस लड़कों की संख्या से ये कितनी है, 9 अधिक है। जब ये 9 अधिक है तो इसमें से 9 घटा दे, इसमें से 9 घटा दे, या तो इसमें से 9 घटाए या 9 इधर जोड़ दे। बराबर कब होगा, या तो 9 इधर से घटाए या 9 इधर जोड़े तो बराबर होगा। तो यह अधिक है तो घटा दो, अगर कम है तो जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना, कांटी कबाट तराजू का जो पलड़े होते हैं, जहां कम पड़ता है अधिक होगा उसमें से घटाएंगे, ये अधिक है तो इसमें से घटाएंगे, तो ये तो बराबर होगा, है ना। जिस तरफ अगर अनाज अधिक है तो उसमें से कम निकालेंगे तभी तो बाट के बराबर आएगा, या अगर इधर बाट रखेंगे तो इधर बाट रखेंगे तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहे 9 अधिक है तो 9 इधर घटा दीजिए। अब आपके एक समीकरण बन गई, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, ये 7x है, अगर ये 4x है, 7x इधर आए तो माइनस के 7x हो गए, बराबर माइनस के 9 तो इधर है ही सही। अब x वाली संख्या घटेगी, 7 में 4 गए तो बचे कितने, 3, और माइनस के 3x बचे, बराबर के माइनस के 9 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटा 3 3 9, यानी कि x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स का मान अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। जब एक्स का मान 3 है तो अब लड़कों की संख्या कितनी निकली, ये 4 × 3, 4 × 3 = 12 हो गई, और लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 7 × 3, 7 × 3 = 21 हो गई। ठीक है, अब लड़कों की संख्या 12 है, लड़कियों की संख्या 21 है। कह रहा है कक्षा में कितने छात्र है, कुल मिला के कितने है, तो इन दोनों को अपन प्लस कर ले, तो 2 ने कितना होगा, 3 हो गया, फिर 2 ने 3, यानी कुल मिला के 33 छात्र हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुल छात्र संख्या कितनी, 33। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।